नमस्कार। पाली शहर में जितने रिजल्ट आए हैं कल रात से लेकर अभी तक, उसमें 5 पॉजिटिव आए हैं। उसमें 4 पाली शहर में और 1 बाली में। इसके अलावा आज 11 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। आज जो सैंपल लिए गए हैं वो दिन भर में 728 सैंपल लिए गए हैं, तो इसको मिलाकर जो हमारे जिले के जो टोटल सैंपल हो गए हैं वो 25,389। इसमें से मात्र 763 जो सैंपल हैं उनका रिजल्ट आना बाकी है, बाकी सबका रिजल्ट आ चुका है। तो आज जो अब एक्टिव केसेस हैं हमारे यहाँ वो बचते हैं 184, जो हमारे रिकवर्ड हो चुके हैं वह 722 और 9 डेथ्स हमारे यहाँ जो आज आधे रात तक हुई हैं। रैंडम सैम्पलिंग का जो प्लान था वो चल रहा है, जैसे कि पाली शहर में भी आज जार्डन टोल है उसमें संपूर्ण जितने भी लोग हैं वहाँ सभी की सैम्पलिंग करी गई है। जितने बैंक हैं उनमें 40 पर डे पाली शहर के जो बैंक हैं उनमें सैम्पलिंग करी जा रही है। 170 लोगों की सैम्पलिंग करने का प्लान है। इसके बाद जो जो भी कार्यालय जहाँ पब्लिक डीलिंग है वहाँ पर भी लोगों की सैम्पलिंग लगातार जारी रहेगी। और जो हमारे कोविड केयर सेंटर में जो भर्ती हैं लोग वो टोटल हैं 144 और बांगड़ अस्पताल में मात्र 13 लोग भर्ती हैं, जो कि सिम्टोमेटिक और थोड़ी सी दिक्कत है। इसके अलावा ये जो निरंतर प्रक्रिया है चलती रहेगी और पूरी तरह से हमारी इससे निपटने की पूरी तैयारी। कुल पॉजिटिव कितने सर आज के? आज के 5 कुल आपके हो गए 915। सर अपने बैंक से कोई पॉजिटिव आए हैं क्या? अभी तक तो नहीं सर। पाली शहर में कहाँ कहाँ सर? 4 जो थे, 2 थे आपके जाकिर हुसैन मार्ग, 1 था आपका प्यारा चौक का और 1 था जनता कॉलोनी। सर एक अपने ओबीसी बैंक के ब्रांच मैनेजर जो है वो पॉजिटिव आए हैं, सोजत रोड, और वो रहते हैं अपने सुमेरपुर। सूत्रों से मिली जानकारी सर, वो सुमेरपुर रहते हैं और सोजत रोड को अप डाउन करते हैं। मतलब इस रिकॉर्ड में तो है नहीं क्योंकि सिर्फ बाली और सिटी बाली सिटी के हमारे 5 आए हैं। तो आपने जानकारी दी, हम चेक करा लेंगे। वो उसके लिए था कि उसने मात्र उसी दिन सुबह सुबह 2 महीने से ड्यूटी पे नहीं आया था, फिर वो आकर जब उसने ज्वाइन किया तो उसको एक्सएन साहब ने कहा कि आप पहले सैंपल कराते हो, तो इसलिए उसको वापस भेजा और सैंपल में उसको पॉजिटिव आया। किसी उससे टच में कोई भी नहीं आया था, फिर भी जो लोग थे जो एएन साहब सामने बैठे थे उनकी सैंपलिंग करवाई जा रही। थैंक यू।